स्वागत है पंजाबी नैशनल टीवी देखते दर्शकों का। इस वेले कुंडली बार्डर के उत्ते जिस तरह किसान अपने अंदोलन लैके डटे हुए आ, तो इतने साढ़े चार महीने के समय के जिस तरह का रहन सहन का किसानों ने अपने तौर पर बहुत वधिया प्रबंध सियालों के ट्रालियां तंबू बना के किया, तो हुण गर्मी की तपश में देखते हुए तुसीं देखिया कि किस तरह बांसां दियां ते होर सलवार दियां जां किसी न किस तरह इदां दे पा के प्रबंध कर रहे हैं कि जिथों तपश जिहड़ी आ गर्मी घट जाए। बांसां दियां कुलियां दे विच गर्मी जिहड़ी आ बहुत घट लगदी आ। ते नाल साडे कोल इस जिहड़ा नगर आ, कह सकते हैं कि कुंडली पहला एक पिंड सी, कुंडली पिंड तो बाद इत्थे सरकार दी नोटिफिकेशन तो बाद कुंडली नगर पालिका बन चुकी आ, जिथे हजे तक इलैक्शन नहीं हुई नवी, पर जिहड़ा प्रशासक इलाके इस वेले सारे कामकार जिहड़े कुंडली नगर पालिका दे देख रहे आ। वीर जी, आप लंबे समय से यहाँ अंदोलन में काम कर रहे हैं, आपकी साफ सफाई का सारा देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जहाँ जो सफाई का प्रबंध है सारा ठीक ठाक चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जब से ये किसान भाई इधर आए हैं बिल्कुल सफाई का काम जोरों पर है। करीब करीब हमारे 35-40 आदमी लगे हुए हैं और 6 ट्रैक्टर हैं जी। तो जिस तरह तुम देखते हैं कि किसान भाई है जहाँ पे 10-12 किलोमीटर तक बैठे हैं, आपको कोई परेशानी है? नहीं, हमारे को कोई परेशानी नहीं है, हमारे को कोई परेशानी नहीं है, ना आने में ना जाने में। सिर्फ परेशानी तो किसी बात की किसी को भी नहीं है, एक वन सिंगल रोड खुला रहता है ये, जिस पे कूड़ा उठा रहे हैं ये लेबर मेरी, ये साइड खुली रहती है, ना यहाँ पे कोई रोकता है ना टोकता है ये किसान। आपको कोई ऐसा लगता नहीं कि हम आपको ज़्यादा कूड़ा उठाना पड़ता है जहाँ काम ज़्यादा हो गया? देखो, जहाँ इंसान होंगे वहाँ काम भी होगा, जहाँ इंसान होंगे वहाँ काम भी होगा, और कूड़ा तो वैसे भी उठाना पड़ जाता, बाकी बद तो रहा है, काम ज़्यादा तो है ही। जब जहाँ से किसान आए, खास करके पंजाब से ज़्यादा इधर लोग हैं, तो आपकी शाम देर रात तक बहु बेटियाँ बहनें जहाँ से गुजरती हैं, आपको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है जहाँ? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन भाइयों से किसानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे रात के 12 बजे कोई बहन बेटी आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेडीज जाए या ना जाए, वैसे चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे खड़े हो, चाय भी पीती हैं, खाना भी खाते हैं, लंगर चलते हैं वहाँ, आप तो लंगर चखते हैं? हाँ, हम भी चखते हैं, आम लेबर भी चखती है, जैसे इंडस्ट्री एरिया है और लेबर निकल के जा रही है तो वो भी चाय लेते हैं, खाना लेते हैं। मैं कहता कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आम आदमी के लिए भी कोई रुकावट नहीं, किसी भी लंगर में खा सकता है, ये नहीं है कि भाई आप आम आदमी हो और आप मत खाओ, नहीं। क्या सोचते हैं किसानों के बारे में आप? नहीं, हमारी तो सोच यही है भाई, सरकार को मान लेनी चाहिए जो मांगे हैं इनकी, भाई 3 काले कानून रद्द कर दे और अपने ये MSP पर कानून बना दे, तो इनकी मांगे हैं वो मान लेनी भी चाहिए सरकार ने। आप कौंसल के पक्के कर्मचारी हैं कि या ठेकेदार थ्रू हैं? नहीं, ठेकेदारी के थ्रू, हम तो ठेकेदारी के थ्रू हैं। अब तनख्वाह आपको टाइम पे मिलती है? जी, तनख्वाह हमारी टाइम से आती है। जो सहूलतें होती हैं, जैसे ग्लव्स होते हैं, टोपी होती है पैरों में, बूट होते हैं, सेफ्टी शू होते हैं, या अपनी को पाने वाली जैकेट होती है, वो सारा कुछ मिलता है आपको? जैकेट तो मिलती है, बट शूज है, जैसे मास्क नहीं मिलता, सैनिटाइजर नहीं मिलता, साबुन भी एक आधी बार मिल जाता है मैं बीच में, ये चीज़ नहीं मिलती, बाकी ठीक चल रहा है काम। सरकार से क्या मांग है आपकी नौकरी की तरफ? सरकार से यही मांग है भाई, ठेकेदारी ख़त्म कर दे, इनको रेगुलर कर दे, कर्मचारियों को यही मांग है। किसानों के साथ आप सारा दिन रहते हो, इधर उधर सब रहते हैं, आपको लगता है कि ये पंजाब हरियाणा का जो भाईचारा नया बना है बहुत अच्छी बात है जी? नहीं, इसको नया मत बोलो, इस भाईचारे को नया मत बोलो, ये तो सदियों से है, क्योंकि पहले हरियाणा कहाँ था? बड़ा भाई तो पंजाबी है, पहले तो पंजाबी था सारा, जहाँ आज खड़े हैं हम चिंगो बॉर्डर पर, ये भी पंजाब में था। अब हरियाणा 66 में हरियाणा बना है, तो अब तो छोटा भाई है हरियाणा, तो ये तो भाईचारा तो स्टार्टिंग से ही है, पर सरकार की गलतफहमी थी, अगर भाई ये समझ नहीं पाए इनका भाईचारा है या क्या। आपको जो कोविड की वजह जो इंजेक्शन है या कोई आपका चेकअप होता है कुछ? नहीं, हमारा कुछ नहीं होता, हमारा कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई चेकअप नहीं होता, और हमारे से कोई पूछा भी नहीं जाता कि भाई आपको कोई दिक्कत है, खांसी है, जुकाम है, कुछ है या नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, न तो सुबह आना ड्यूटी करनी, शाम को घर जाना।
पंजाबी नैशनल टीवी देखते दर्शक इस वेले देख रहे कि कह सकते हैं कि वलंटियर आ जां ओ सेवादार आ जिहड़े इस सारे पिछले 12 किलोमीटर तक दा तक किसानी अंदोलन फैलिया होया उत्थे तक दी जिन्नी भी कूड़ा करकट आ जां गंदगी आ उहनूं सारिया सवेर तों लैके शाम तक सफाई करदे आ। सफाई करन तों बाद फिर इत्थे किसानां दे नाल बैठ के ही भोजन करदे आ, लंगर करदे आ, उहनां दे कोल बैठ के अपने दुख सुख करदे आ। ते नाल उहनां ने इक बहुत वड्डी गल कही कि इह रिश्ते सनाते साडे नवें नहीं जुड़े पर कुछ समय बाद जुड़े आ, क्योंकि हरियाणा पहला पंजाब दा हिस्सा सी ते जिहड़ा वड्डा भरा तो इस वेले छोटे भरा नूं दुबारा आण के इस अंदोलन के रूप में मिलया तो उन्होंने भी वह समझते हैं भी एक चंगी गल है जी। आपस में कोई थोड़ी बहुत दूरी सी, वो जी दूरी आ वो दूर हो गई आ। सल्यूट करना बनता इन्हां कर्मचारियों जिहड़े इत्थे बैठे किसानां लई किस तरह की बीमारी फैलण तो जिहड़ा गंदगी का साफ सफाई का प्रबंध जिहड़ा सारा देखते हैं। तो मंग इन्होंने सरकार तो यही की कि सानूं ग्लव्ज, मास्क, सैनीटाइजर, साबण जां साडे कपड़े लीड़े सेफ्टी शू जिहड़े वो सरकार वालों मुहैया कराने चाहिए आ, क्योंकि ठेकेदारी सिस्टम करके इन्हां नूं तनखाह तां दस्सदे कि टाइम नाल मिल जाती है पर जिहड़ियां एक बुनियादी सहूलतां आ काम करन दे लई वो जिहड़ियां सहूलतां आ इन्हां नूं सरकार वालों जां ठेकेदार वालों नहीं दित्तियां जांदियां, इन्हां ने इस गल की मंग की आ। कैमरामैन वरिंदर दे नाल गुरनाम सिंह बिलगा, कुंडली बार्डर, दिल्ली तों।